हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो लेकर हाजिर हूँ आप सभी के लिए एक और नया इंटरेस्टिंग क्यूट एंड रोमांटिक लव स्टोरी। ड्रामे का नाम है लेट्स मीट नाउ। तो कहानी की शुरुआत होती है फीमेल लीड जी को दिखाते हुए, जो कि एक टीवी शो राइटर डायरेक्टर है। तो एक रियलिटी शो शूट करने के दौरान एक एक्ट्रेस कुछ ज्यादा ही नखरे कर रही थी, लेकिन जी वहाँ जाकर सिचुएशन संभाल लेती है। जिसके बाद वो एक शूटिंग गैलरी जाती है जहाँ वो हर वीकेंड जाती है। तो आज शूट करते हुए वो एक दूसरे लड़की के टारगेट पे शूट कर देती है, जो उसी के साइड में शूट कर रहा था। अब जी को अपने पॉइंट्स नहीं दिखाई दे रहे थे, तभी साइड वाला लड़का उसे कहता है कि आपने मेरे टारगेट पे शूट कर दिया। तो जी उसे गलती से हो गया कहकर सॉरी कहती है, लेकिन वो लड़का जिसका नाम था जी चियान, जो कि इस कहानी का मेन लीड है, कहता है कि आपने तो गलती से भी बहुत ही अच्छा पॉइंट किया। फिर उसकी और तारीफ करते हुए कहता है कि लगता है आप शूटिंग में बहुत ही एक्सपर्ट हैं। जी कहती है ऐसी कोई बात नहीं है, मैं यहाँ हर वीकेंड प्रैक्टिस करने आती हूँ, इसीलिए मेरी शूटिंग थोड़ी अच्छी है। फिर उससे पूछती है कि क्या वो यहाँ पहली बार आया है। तो जी चियान कहता है कि वो पहली बार ही आया है और ये शूटिंग गैलरी उसके एक फ्रेंड की है, मगर अभी उसे अच्छे से शूटिंग करनी नहीं आती। तो जी उसे शूटिंग करने में गाइड करती है, जिससे जी चियान तो 9.5 स्कोर कर लेता है। जो देखकर जी तो हैरान होती है क्योंकि उसने भी कभी 9.5 स्कोर नहीं किया था। इससे जी चियान तो जी की बहुत ज्यादा तारीफ करने लग जाता है। देन उसे शूटिंग सीखने में उसकी हेल्प करने के लिए कहता है, क्योंकि वो कुछ दिन पहले ही सिटी में आया है, इसलिए अभी उसकी हेल्प करने वाला कोई नहीं है। तो वो जी से उसे सिखाने के लिए रिक्वेस्ट करता है, जिसके लिए जी मान जाती है। तो जी चियान उससे उसका नंबर मांगता है ताकि अगली बार हम दोनों कॉन्टेक्ट करके साथ में आ सके। जिस पर जी पहले तो कहती है कि कहीं तुम मेरा नंबर निकालने के लिए ये सब नाटक तो नहीं कर रहे हो, लेकिन फिर उसे अपना नंबर दे देती है क्योंकि जी चियान हैंडसम था। तभी जी के दो फ्रेंड्स रोंग रोंग और फू आते हैं, जिसमें से फू जो था वो जी को लाइक करता है, पर क्योंकि वो उसका बेस्ट फ्रेंड है इसीलिए वो उसे बता नहीं पाता। इसीलिए जब जी चियान की तारीफ करती है तब फू को बहुत जेलसी होता है, इसीलिए वो जी चियान को शूटिंग के लिए चैलेंज करता है, जिसमें जी चियान जानबूझकर कम स्कोर्स लाता है, जिससे फू भाई साहब तो फुल जोड़ में आ जाते हैं। तो वो जी चियान से कहता है कि बच्चे अभी तुम्हें अच्छे से सीखने की जरूरत है, तो चलो मैं तुम्हें सिखा दूंगा। लेकिन जी चियान उसे मना कर देता है, कहता है और बताता है कि मिस जी की टेक्निक अच्छी है, इसलिए मैं उन्हीं से सीखना पसंद करूंगा। अब इससे पहले फू और कुछ कहे तभी उसके लिए काउंटर पर कॉल आता है, जिससे हमें पता चलता है कि जी चियान तो प्रोफेशनल शूटर है, जो अब्रॉड से यहाँ नेशनल चैंपियनशिप में हिस्सा लेने के लिए आया है। और ये कॉल उसे कोच जेंग ने किया था, जो उसे जल्दी से टीम ज्वाइन करने के लिए कहते हैं ताकि वो अपने नेशनल्स की ट्रेनिंग कर सके। तो जी चियान काउंटर से जी के बारे में पता करता है, जिससे उसे पता चलता है कि वो तो बस यहाँ वीकेंड्स पर आती है। तभी जी को एक इमरजेंसी कॉल आती है, इसीलिए वो जल्दबाजी से वहाँ से चली जाती है, मगर इस चक्कर में वो अपना पर्स वहीं पे भूल जाती है, जिसे जी चियान काउंटर से लेकर जी के पीछे पीछे जाता है। अब जी के ही टीम की एक लड़की ने शूटिंग सेट से हीरोइन का एक वीडियो अपने फ्रेंड्स को भेजा था, जिन्होंने उस वीडियो को सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया था, जिसमें वो हीरोइन रूडली बिहेव कर रही थी, जिस वजह से हीरोइन की इंटरनेट पे बहुत ही बुराइयां चल रही थी। तो जी अपने टीम मेंबर की ओर से उस हीरोइन से माफी मांगने के लिए चली जाती है, लेकिन वो हीरोइन तो उसे मिलने के मूड में ही नहीं थी। लेकिन जी भी बड़ी जिद्दी थी, वो बार बार उससे हर तरीके से माफी मांगती है, लेकिन वो हीरोइन उसे बार बार बाहर निकलवा देती है। तो उसे ऐसे बाहर आता जाता जी चियान भी देख लेता है, लेकिन काफी देर से ऐसे हीरोइन से माफी मांगने के बाद वो हीरोइन मान जाती है, जिसके बाद जी चियान पर्स लेकर जी के पास आता है। तो जी उसे पहले तो सॉरी कहती कि उसकी वजह से उसे इतनी देर तक यहाँ पर खड़ा रहना पड़ा, फिर पर्स लाने के लिए उसका थैंक यू कहती है। इसके बाद दोनों चलते चलते जी के घर की ओर जाने लगते हैं, जहाँ पर जी उसे कल ट्रीट देगी कहती है ऐसे सॉरी एंड थैंक यू उसका पर्स लौटाने के लिए। अगले दिन जी चियान ट्रेनिंग के लिए पहुंच जाता है, तो वहीं तक जी अपने टीममेट को समझाती है कि वो अगली बार से ऐसा कुछ भी ना करे। फिर शाम को दोनों डिनर पे मिलते हैं, जहाँ पर जी पहले तो जी चियान का एज पूछती है कि कहीं वो कोई माइनर तो नहीं है। तो जी चियान बताता है कि वो इस साल 22 का होने वाला है। जी उसे अपना एज गेस करने के लिए कहती है, जिस पर जी चियान कहता है कि 26, जो कि बिल्कुल सही जवाब होता है। तो इसे जी बस एक कोइंसिडेंस मान लेती है, पर फिर जब जी चियान उसके बारे में बहुत सारी चीजें बता देता है कि जैसे जी को खाने में क्या पसंद नहीं है या फिर जी का फेवरेट ब्रांड कौन सा है, इन सबसे जी तो हैरान होती है। तो उससे पूछते कि कहीं तुम कोई फॉर्चून टेलर तो नहीं हो या फिर तुमने मेरे बारे में रिसर्च किया है जो तुम्हें मेरे बारे में इतना सब कुछ पता है। जिस पर जी चियान कहता है कि उसने तो बस तुक्का लगाया। तो दोनों खाना वाना खा लेने के बाद घर की ओर आ रहे थे, क्योंकि जी चियान ने कहा था कि उसका भी घर जी के घर के रास्ते से होकर ही जाता है। अब जी चियान उसे वीकेंड में शूटिंग सिखाने आने के लिए पूछ ही रहा था, तभी उनके सामने फू था जो कि जी को पिक करने के लिए आया था। तो वो जी चियान को जाकर डायरेक्ट मना कर देता है, कहता है कि वो नहीं आ सकती क्योंकि हमारा वीकेंड पे शूटिंग मैच देखने का प्लान है, पर अफसोस मेरे पास एक्स्ट्रा टिकट्स नहीं है, वरना हम तुम्हें भी अपने साथ लेकर जाते। इस पर जी चियान कहता है कि कोई बात नहीं, वैसे भी मुझे टिकट्स की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं अभी वहां जाने वाला हूं। तो जी उसे उसका सीट नंबर पूछती है। इस पर जी चियान कहता है कि फ्रंट रो से थोड़ा दूर है। इस पर फू कहता है कि अफसोस हुआ कि तुम हमारे साथ नहीं बैठ पाओगे, वरना मैं तुम्हें कुछ शूटिंग के रूल्स जरूर सिखा देता। अब रात हो चुकी थी इसीलिए फू उसे घर जाने के लिए कहता है। फिर वो जी को थोड़ा सुनाता है कि इतनी रात गए तुम्हें ऐसे ही किसी अनजान लड़की के साथ ड्रिंक नहीं करना चाहिए। इस पर जी कहती है कि चिंता मत करो, वो बहुत ही अच्छा लड़का है और वैसे भी वो मुझसे काफी छोटा है, मेरे भाई जैसा ही है, इसीलिए तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। अगले दिन से जी चियान फुल अपनी ट्रेनिंग में लग जाता है, वहीं जी अपने काम में बिजी होती है। वहीं इधर हमें पता चलता है कि फू तो एक साइकोलॉजी लेक्चरर है जो कॉलेज में सबसे पॉपुलर है। तो एक फीमेल लेक्चरर का उस पर क्रश होता है, जो उसे डेट के लिए पूछने जा ही रही थी, मगर फू भाई साहब तो बड़े ही चालाकी से उसे रिजेक्ट कर देता है। वहीं इधर शूटिंग कॉम्पिटिशन का दिन आ गया था, इसलिए जी अपनी फ्रेंड रोंग रोंग के साथ कॉम्पिटिशन
स्टेशन के लिए निकलती है, मगर वो दोनों ट्रैफिक में अटक जाती है। इधर गेम भी शुरू हो चुका था जहाँ पर जी चैन के स्कोर सबसे ज्यादा थे, लेकिन उसकी आंखें तो बस जी को ही ढूंढ रही थी, जो कि काफी देर से ट्रैफिक में अटकने के बाद वहाँ पर पहुँच जाती है, जहाँ उसे पता चलता है कि फू किसी काम की वजह से नहीं आ सकता। इसीलिए वो सोच ही रही थी कि वो फू की टिकट से जी चैन को यहाँ पर बुला ले। तभी वहाँ पर जी चैन का नाम अनाउंस होता है और रोंग रोंग की नजर भी उस पर पड़ जाती है, जो कि पहले स्पॉट पर शूटिंग कर रहा था। अब जी तो उसे देखकर शॉक्ड थी, मगर जी चैन तो उसे यहाँ देखकर बहुत ही ज्यादा खुश था। तो जी चैन इस कॉम्पिटिशन में 0.1 स्कोर की वजह से सेकंड आता है, जिसके बाद जी उसे कहती कि तुमने तो मस्त एक्टिंग किया, कुछ दिन पहले तो तुम्हें गन चलाने भी नहीं आती थी और आज सीधे कॉम्पिटिशन में सेकंड आ गए। तो जी चैन कहता कि वो मुझे तुम्हें समझाने का मौका ही नहीं मिला। तो जी उसे कॉन्ग्रेचुलेट करती है। तो जी चैन उन दोनों को उनके टीम के साथ सेलिब्रेशन में इन्वाइट करता है। तो वहीं दूसरी ओर फू को भी झटका लगा था जी चैन को उस कॉम्पिटिशन में सेकंड प्लेस जीतता देख कर, क्योंकि उसने तो जी चैन के सामने फुल होशियारी झाड़ी थी। इवन उसने तो ये भी कहा था कि वो अभी बच्चा, उसे प्रैक्टिस की जरूरत है। तो वहीं पर फू की सिस्टर तियान होती है, जो तो जी चैन की फैन ही बन गई थी। वहीं से जी और रोंग रोंग जी चैन और उसके टीममेट्स के साथ फुल पार्टी शार्टी करती है और कुछ ज्यादा ही ड्रिंक कर लेती है। तो जी चैन उन दोनों को उनके घर छोड़ने के लिए जाता है, मगर जी उसे अपने घर का प्रॉपर एड्रेस ही नहीं बताती, जिस वजह से जी चैन को उन्हें अपने घर ले जाना पड़ता है, जहाँ पर अगली सुबह उठकर जी और रोंग रोंग तो फुल शॉक्ड होते हैं। तो दोनों चुपचाप बाहर आते हैं तो उसके सामने एक लड़का खड़ा होता है, जो जी चैन का छोटा भाई यूबे था, और वो भी उन्हें यहाँ देखकर फुल शॉक्ड था। तभी जी चैन नहाकर बाहर आता है और उन दोनों से साथ में ब्रेकफास्ट करने के लिए कहता है, मगर दोनों को काफी एम्बैरेसिंग लग रहा था, इसलिए दोनों ही भाग जाते हैं और याद करने की कोशिश करने लगते हैं कि आखिर कल रात क्या सब हुआ था, मगर दोनों को ही कुछ भी याद नहीं आ रहा होता है। इधर यूबे स्कूल जाने के लिए रेडी होता है तो जी चैन उसे जो कुछ भी यहाँ उसने देखा वो सब कुछ भूल जाने के लिए कहता है। यूबे उसे बाइक लेकर चला जाता है। इधर ऑफिस में जी की टीम को एक रियलिटी शो के लिए किसी पॉपुलर स्पोर्ट्स पर्सन को लाने के लिए कहा जाता है, जिसके लिए उसके टीम मेंबर्स लियांग, जो कि एक पॉपुलर स्विमर है, और जी चैन का नाम सजेस्ट करते हैं, जो उस कंपटीशन के बाद फेमस हो गया था। उसके सोशल मीडिया पर मिलियंस में फॉलोअर्स भी थे, पर क्योंकि लियांग काफी टाइम से पॉपुलर है, इसीलिए जी को लियांग के साथ बात करने के लिए भेजा जाता है ताकि वो उससे कॉन्ट्रैक्ट के बारे में डिस्कस कर सके। तो वो एथलीट्स ट्रेनिंग सेंटर पहुंचती है, जहां जी चैन उसे दूर से देखकर ही पहचान लेता है। तो वो उससे बात करने के लिए आता है और पूछता है कि क्या वो उससे मिलने के लिए आई है। तो जी उसे बताती है कि वो यहां स्विमर लियांग से मिलने के लिए आई है। तो जी चैन उसे स्विमिंग पूल का रास्ता बता देता है, पर उसके जाने से पहले वो उसे कहकर जाता है कि वो जब भी शूटिंग गैलरी जाएगी तो उसे कॉल करके बता देने के लिए कहता है। अब जी लियांग के पास पहुंच तो गई थी, मगर वो थोड़ा सा प्लेबॉय टाइप का बंदा था, जो जी के साथ फ्लर्ट करने ही लग जाता है। वहीं जी चैन को अपने एक फ्रेंड से पता चलता है कि वो लियांग बिल्कुल भी सही लड़का नहीं है, तो वो स्विमिंग पूल की ओर भागता है। वहीं लियांग तो जी की ओर बढ़े जा रहा था, जिस चक्कर में जी स्विमिंग पूल के काफी करीब आ जाती है, इवन गिरने भी लगी थी, मगर लियांग उसका हाथ पकड़कर रोकता है और फिर जानबूझकर हाथ छोड़ देता है। तभी वहां पर जी चैन भी पहुंच जाता है, जो पहले जी को पानी से बाहर निकालता है, फिर लियांग पे गुस्सा करने लगता है, मगर जी उसे शांत कर अपने साथ ले आती है। मगर लियांग तो जी पे कमेंट करने लगा था, जिससे जी चैन को तो बहुत गुस्सा आता है, तो वो लियांग के पास आकर उसे लात मारकर पानी में गिरा देता है। फिर वो जी को लेकर अपने साथ शूटिंग एरिया में आ जाता है। पानी बहुत ज्यादा ठंडा था, इसीलिए जी को जुकाम हो जाता है। तो जी चैन पहले उसे अपने एक्स्ट्रा कपड़े देता है, उसे चेंज करके आने के लिए कहता है। तो जी ड्रेस चेंज करके आने के बाद उसे थैंक यू कहती है और बताती है कि उसने लियांग के साथ बिल्कुल सही किया, वरना वो भी उसे खींच कर एक लात मारती। तो जी चैन उसे लियांग के बारे में बताता है कि वो बिल्कुल भी सही लड़का नहीं है, काफी बदतमीज किस्म का है, इसीलिए उसे उसके साथ काम नहीं करना चाहिए। तो जी कहती कि वो इस बारे में अपने सीनियर से बात करेगी, जिसके बाद जी चैन जी को घर छोड़ने के लिए आता है, जहाँ से आते हुए वो जी से पूछता है कि क्या तुम्हें नहीं लगता कि हम पहले भी कहीं मिल चुके हैं, मगर जी तो इस बात को मजाक में उड़ा देती है। तभी फू और रोंग रोंग उससे मिलने के लिए आते हैं, जहाँ तीनों साथ में खाना खाने के लिए बैठते हैं। तो वहाँ जी चैन के बारे में ही बातें कर रही थी कि आज उसने किस तरह से उसकी हेल्प की, जो सब सुनकर रोंग रोंग उसे कहती है कि मुझे तो लगता है कि जी चैन तुम्हें लाइक करता है। अब ये सुनकर ही हमारा फू तो आग बबूला हो रहा था, मगर जी कहती है ऐसी कोई बात नहीं है और वैसे भी वो मुझसे काफी छोटा है, तो हम दोनों में ऐसा कुछ भी पॉसिबल नहीं है। लेकिन रात को फिर से रोंग रोंग उसे कहती है कि उसे अभी भी डाउट है कि जी चैन तुम्हें लाइक करता है। अब जी तो इस बारे में सोचने ही लग जाती है, और स्टार्टिंग से सब कुछ सोचने के बाद उसे भी अब थोड़ा सा डाउट होने लगा था कि कहीं शूटिंग गैलरी से ही जी चैन उसे लाइक तो करने नहीं लगा था, जिस वजह से उसने नाटक करके उसे अप्रोच किया। तो अगले दिन वो अपने टीममेट से भी इस बारे में पूछती है, बट इनडायरेक्टली। तो उसके टीममेट्स भी कहते हैं कि ऑब्वियस सी बात है, वो जरूर तुम्हें लाइक करता है। तभी उसे जी चैन मैसेज करता है, इसमें उसने पूछा था कि उसकी तबीयत कैसी है, उसने मेडिसिन लिया कि नहीं और उसे अभी कैसा फील हो रहा है। अब ये सब कुछ देखकर जी को तो सच में लगने लगता है कि शायद जी चैन उसे लाइक करता है, पर अगर सच में ऐसा है तो जी उसे कैसे रिजेक्ट करे इस बारे में सोचने लग जाती है। दूसरी ओर जी चैन तो उसे अम्यूजमेंट पार्क घूमने के लिए बुलाता है। वहीं लियांग के बदले जी को अब जी चैन को उस रियलिटी शो के लिए राजी कराने का जिम्मा दे दिया जाता है, तो इसलिए जी चैन के साथ अम्यूजमेंट पार्क जाने के लिए मान जाती है, वो उसे इस बारे में बात कर सके। तो इसके लिए वो तो फुल सज धज के आती है, जहाँ पहले जी चैन तो उसे देखते ही रह जाता है। इसके बाद वो लोग अम्यूजमेंट पार्क पहुँचते हैं, जहाँ पर काफी घूमने के बाद जी चैन जी को बताता है कि वो उसे काफी टाइम से कुछ कहना चाहता था। ये कहकर वो उसे स्टार्टिंग से सब कुछ बताता है, वो सिटी में आने के तुरंत बाद ही उसे मिलना चाहता था, जिसके लिए उसने उसके बारे में सब कुछ बता दिया। उसके सोशल मीडिया से उसे काफी कुछ पता चला, फिर शूटिंग गैलरी से पता चला कि वो यहाँ वीकेंड्स पर आती है। अब उससे मिलने
से 2 हफ्ते पहले से ही उसने शूटिंग गैलरी में उसे देखा था, पर उससे किस तरह से बात करे यही सोचता रह गया। उसकी इन सारी बातें सुनकर जी कहती कि इसका मतलब है कि तुम्हें मुझ पर क्रश है। जो सुन जी चैन उसके सर पे टपली मार कर कहता है, ओए ग्रेप जी क्या कह रही है। अब ग्रेप जी नाम सुनकर उसे याद आ जाता है कि ये तो उसका बचपन का छोटा भाई कम दोस्त था जो हमेशा उसके पीछे पड़ा रहता था। तो बचपन में इन दोनों की फैमिली नेबर्स हुआ करती थी और तभी ये दोनों पहली बार मिले थे। तो इसी के साथ पार्ट 1 का एंड यहीं पर होता है। तो इनकी लव स्टोरी आगे कैसे शुरू होती है जानेंगे हम अगले पार्ट्स में। तो फर्स्ट पार्ट कैसा लगा कमेंट करके बताना, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर पहली बार आए तो डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन ताकि अगले पार्ट्स आपसे मिस ना हो। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।